सरकार की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई है, प्रथम दृष्टिया में जांच में जो लोग दोषी पाए गए 15 लोगों को सस्पेंड सरकार की तरफ से, उसको सभी लोग पूरा प्रदेश देश जान रहा है। और जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश भी हो गया है। और इस घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना सर नहीं होनी चाहिए। और ये नरसंहार का जो मामला है, क्या लगता है कौन सबसे बड़ा गलत किया है, गलती किसकी है? अब जांच का विषय है। बहुत लोग बहुत तरीके से बात कर रहे हैं, जांच हो रही है, जांच में वो सच सामने आ जाएगा। सच सामने बिल्कुल आ जाएगा। और भी लोग हैं यहाँ पे। सर, इसमें एक सवाल उठता है कि इस मामले को भी जाति से जोड़ करके देखा जा रहा है, यादव और ब्राह्मण को जोड़ करके, ये कहाँ तक सही है? इसको आप लोग दिखा रहे हो, सरकार के तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, कुछ मंत्री नेता आ रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं, वो लोग भी जाति देख करके भेदभाव कर रहे हैं। वो अपना मतलब मीडिया से भी बात तभी कर रहे हैं जब उनको लग रहा है कि ये भाजपा वाले नहीं हैं, ये मतलब उनको भी हम लोग को भी भाई बांट दे रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को क्या समझा आपने? नहीं सर, आपके बारे में नहीं, लेकिन और भी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और नेता लोग हैं उनकी, और भी नेता हैं। अच्छा ये बताओ, दुनिया में लोग चोरी कर रहे हैं तो हम क्या करें? दुनिया के तमाम उसमें कुछ लोग हैं जो डकैती कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं, तो उसे हम उस बयान से हम क्या समझें? सर, इस गांव में जमीनी विवाद मेजर प्रॉब्लम है, मतलब और लोगों के साथ भी है, तो उसको लेकर अब आगे क्या एक्शन हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाँच के लिए आदेश दे दिया है, उसमें जाँच हो रही है। प्रथम दृष्टिया में मैं फिर कह रहा हूँ कि जो संबंधित अधिकारियों का जो दोष पाया गया, उसमें 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, ये सब लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? हम जा रहे हैं, हम उनके पास बिल्कुल जाएंगे। तो यहाँ आपका कैसा, आपका यहाँ पर आए क्या मैसेज? देखिए, दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब घटना घटित हो गई है, तब उसमें त्वरित न्याय मिले। सर, जिस प्रकार यहाँ के जो विधायक है देवैया के, शलभमणि त्रिपाठी, वो इस मामले को लेकर काफी एक्टिव है और दुबे के साथ, उनके फैमिली के साथ हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने प्रण लिया है कि भाई आखिरी दम तक जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, सबका अपना अपना मत है, अलग अलग सोच है जी। और हम भी तो वही बात कर रहे हैं कि न्याय मिले, और जो जांच में आएगा दोनों पक्षों के जो विवाद। घर पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, कब होगा ये? अभी तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, वो आप लोगों के माध्यम से ये चर्चा की जा रही है। नोटिस तैयार चिपका है, आपने नोटिस पढ़ी है? नोटिस में ये पूछा गया है कि आप इसका 7 तारीख को न्यायालय आके जवाब दे दीजिए, क्या आप गांव सभा या सरकारी जमीन में बसे हैं कि नहीं बसे हैं, इसीलिए नोटिस है। जवाब देने के लिए जब परिवार पहुंचा था तहसील पर, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा जो उनको वेट कराया गया, तहसीलदार पहुंचे नहीं समय पर। भाई, हो सकता है कहीं मीटिंग में हो, कोई बात हो, अगर हमारा काम है, अधिकारी अगर मौके पर नहीं है तो हम वेट नहीं कर सकते। हमारी भी तो ड्यूटी है कि हमारा काम है तो हम इंतजार कर ले उनको। सर, मुख्य दोषी कौन है? प्रेमचंद यादव या दोनों? अभी दो, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जांच हो रही है, जांच से पूरा खुलासा हो जाएगा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। सर, न्यायिक कार्य जो अभी चल रहे हैं सर, उसके विषय में क्या कहेंगे?